लोकतंत्र का यह अनुपम पर्व आज एक मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी के रूप में माननीय जिला Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. थियो। जैसे ही हम 18 साल के होते हैं, हमें तुरंत किससे संपर्क करना चाहिए? हमारे जो क्षेत्र का बूथ लेवल का जो ऑफिसर होते हैं, उनका आप अधिकतर कॉन्टैक्ट करेंगे। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए एक नारा लगाएंगे, ठीक है ना, कि घर में जाएंगे, घर के सारे काम करेंगे। आप लोगों ने आज एक मतदाता सराहना है उन व्यक्तित्वों की जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूत बनाने की अखंड ज्योत को जगाते हुए रखा। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला के अंदर विभिन्न चित्रों का अवलोकन करते हुए जिन चित्रों में भारत की जनमानस समाहित है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 10वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार जो डायरेक्शंस मिले हैं उसको आज हमारे पूरे ज़िले में सेलिब्रेट किया जा रहा है। चूँकि कल है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, पर आज से ही रैली और ये फ़ोटो प्रदर्शनी वगैरह का शुरुआत किया गया है। ये जिला स्तरीय फ़ोटो प्रदर्शनी है और यूथ को जागृत करने के लिए, जो बच्चे जो कल के मतदाता बनेंगे उनको अभी से जागृत करने के लिए आज हम लोगों ने एक ये चित्र प्रदर्शनी लगाई है और एक रैली का भी आयोजन किया गया है। तो जैसा इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं कि लोगों में मत के प्रति, अपने मत का जो अधिकार है, मताधिकार के प्रति जागरूकता है, और ये अधिकार ही नहीं बल्कि उनका कर्तव्य भी है, तो इसके प्रति चेतना है। इसके साथ साथ लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हम अपने जो निर्वाचक सूची है उसमें नाम कैसे जुड़वा सकते हैं, फॉर्म 6 भर सकते हैं। कभी शिफ्ट हो गए तो वहाँ से अगर कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है तो दोबारा वो फॉर्म भर के और उनका नाम दोबारा मतदाता सूची में जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर जुड़ जाए। नाम कटाना है दूसरी जगह से तो उसके भी प्रोसेस है, आजकल बहुत सिंप्लीफाई हो गया, ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवेदन करके ये किया जा सकता है। तो जो भी वोटर्स हैं उनके जो भी अधिकार हैं उनके प्रति लोगों में जागरूकता है, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से वोटिंग का जो प्रतिशत है वो काफ़ी बड़ा है। स्वीप के अंतर्गत जो कार्यक्रम कराए जाते हैं उसमें भी जो है आम जनता की और ख़ासकर जो युवा मतदाता है उसके काफ़ी रुचि बढ़ी है, और इन्हीं प्रयासों के माध्यम से हम ये लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वोटिंग के प्रति उनके जो राइट्स हैं उसके प्रति जागरूक हों और इसका उपयोग करें, और अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने समाज, अपने नेबर्स, अपने कार्यस्थल पे भी जो लोग हैं उनको भी प्रोत्साहित करें।